हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एलजेब्रा के 7th चैप्टर का 4th एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड 3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4th एक्सरसाइज में देखिए क्या करना है आपको। कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अगर रूट्स आपको गिवन होंगे, जैसे कि इक्वेशन के रूट यहाँ पे एपी में दे दिए, तो आप ऐसी कंडीशन फाइंड आउट कीजिए इक्वेशन की कि इसके रूट एपी में है। सेकेंड क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है कि अगर रूट्स ए पी में है या फिर जी पी में है या फिर सम ऑफ टू रूट्स इज जीरो, देन आप कंडीशंस फाइंड आउट कीजिए। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन फर्स्ट इज, ये जो क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट्स हमें ए पी में गिवन है, ठीक है। तो ए पी में रूट्स हम कैसे लेके चलते हैं? लेट अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। अगर रूट्स ए पी में होते हैं तो हम लेके चलते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। ए पी में है ये नंबर, ठीक है। बी रूट्स ऑफ, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो हम थ्री रूट अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ अगर यहाँ से मैं किसी भी तरह से एक रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ से निकालें सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। एंड इक्वेशन से अगर हम निकालते हैं सम ऑफ रूट, देन माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, ठीक है। सॉल्व करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, थ्री अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन थ्री है, ठीक है। नाउ अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है अल्फा इक्वेशन का रूट, इक्वेशन फर्स्ट, देयर फॉर अल्फा मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को जो हो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इक्वेशन में एक्स के प्लेस पे अल्फा पुट कर लेती हूँ तो ये हमें वैल्यू देगा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मीन्स एक्स को हम रखेंगे अल्फा की वैल्यू, मीन्स माइनस बी अपॉन थ्री है। देयर फॉर ए इंटू माइनस बी बाय थ्री ए, जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यूब प्लस बी इंटू माइनस बी अपॉन थ्री ए स्क्वायर, नेक्स्ट सी इंटू माइनस बी बाय थ्री ए प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अल्फा रूट था तो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो एक्स के प्लेस पे हम अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी कंडीशन आ जाएगी, जो कंडीशन इसने पूछ रखी है कि अगर इसके रूट्स ए पी में हैं तो आप कंडीशन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करना है, a इंटू क्यूब है तो माइनस बी क्यूब बाय 27 ए क्यूब, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, b क्यूब क्योंकि b स्क्वायर यहाँ से एंड b यहाँ से, 9 ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी बाय 3 ए प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। एक a से पावर कैंसिल कर दीजिए, टू रह जाएगा यहाँ पे, देन माइनस बी क्यूब अपॉन 27 ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी क्यूब अपॉन 27 ए स्क्वायर एंड बी क्यूब अपॉन 9 ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं बी क्यूब बाय ए स्क्वायर, रिमेनिंग फैक्टर इज माइनस 1 बाय 27 प्लस 1 बाय 9, यहाँ से माइनस बी इंटू सी बाय 3 ए प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व करते हैं हम इसको, 27 एलसीएम, 2 बाय सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 बाय 27, 2 बाय 27 इसके प्लेस पे मैं रख देती हूँ 2 बाय 27। चलो आगे कर लेते हैं, 2 बी क्यूब बाय ए स्क्वायर एंड इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, माइनस बी सी बाय थ्री ए, 27 रहेगा नीचे, प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं,
एल से आएगा यहाँ से 27a² 2b³ माइनस 9 ए से ए बी सी प्लस 27a² इंटू डी इक्वल टू 0। ये इधर आके 0 हो जाएगा। देन दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, मीन्स आपको एक रूट फाइंड आउट करना है और उसको सेटिस्फाई करवा देना है इक्वेशन को। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है क्यूबिक, और कहता है कि अगर इसके रूट्स एपी में है तो सेम टू सेम आप ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट करवा रही हूँ मैं, अगर रूट्स जीपी में है, रूट्स एपी में होंगे तो आपको ऐसे ही लेकर चलना है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। क्यूबिक इक्वेशन है तो थ्री रूट अगर जीपी के अंदर है, जीपी में है तो हम कैसे लेते हैं, अल्फा बाय बीटा ले लीजिए एंड अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा। दीज आर द थ्री रूट्स, बी रूट्स एपी में है, सॉरी जीपी में है ये। जैसे आप डिवाइड करेंगे इसको, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इसका जो कॉमन रेशो आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू यानी एक रूट की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, अगर रूट जीपी में होंगे तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और अगर रूट्स एपी में है तो हम लेके चलेंगे सम ऑफ रूट, ताकि बीटा से बीटा कैंसिल हो जाए और हम एक रूट की वैल्यू इजीली निकाल सकें। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कॉन्स्टेंट, तीनों की आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, माइनस वन पावर क्यूब कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट में माइनस है, इसको ठीक कर लेना, माइनस आर दे रखा है, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं माइनस आर। यहाँ से करेंगे अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस एंड माइनस इज प्लस आर, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आर रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो हमें एक रूट मिल गया यहाँ से, अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशन, अल्फा सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में सेटिस्फाई करवा दीजिए, यानी अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे। ठीक है, आर इक्वल आर रेस्ट पावर 1/3 एक्स के प्लेस पे पुट कर रहे हैं, क्यूब पावर चल रही है, माइनस पी इंटू आर रेस्ट पावर 1/3 स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर रेस्ट पावर 1/3 माइनस आर इक्वल टू 0। क्यूब से क्यूब थ्री से थ्री कैंसिल, आर माइनस पी इंटू आर की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस क्यू इंटू आर एज टू पावर 1/3 माइनस आर इक्वल टू 0। आर से आर कैंसिल, देन पी इंटू आर एज टू पावर 2/3 प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए क्यू इंटू आर एज टू पावर 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, देन ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी आपके पास। और इसको और सॉल्व करना चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, p इंटू आर रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू क्यू इंटू आर रेज टू पावर 1/3, बोथ साइड क्यूब अप्लाई कर दीजिए, p क्यूब इंटू आर स्क्वायर, जैसे ही आप क्यूब लेंगे p का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से 3 पावर कैंसिल, यहाँ से क्यू क्यूब और r 1 पावर। ठीक है, स्क्वायर से r कैंसिल कर देंगे एंड p क्यूब r इक्वल टू q। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर इन जेपी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका, ऑफ टू रूट्स इज 0, अगर दो रूट्स का सम 0 दे रखा हो इस इक्वेशन के, देन आप कंडीशन फाइंड आउट कीजिए। हम अल्फा बीटा गामा थ्री रूट ले लेते हैं, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हमें गिवन है क्यूबिक इक्वेशन, एंड हमें गिवन है कि दो रूट्स का सम हमारा 0 है। ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस माइनस पी बाय 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, पुट करेंगे यहाँ पे
ज़ीरो प्लस गामा इक्वल टू पी मीन्स गामा इक्वल टू पी आ जाएगा. एंड गामा इज अ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो जो गामा रूट आया हमारे पास, गामा इज रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट. जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, गामा, और गामा की वैल्यू क्या है, p. तो वहाँ पे इक्वेशन पुट कीजिए पी क्यू माइनस, हमें p पुट करना है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते हो तो पी स्क्वायर इंटू पी इज पी क्यू प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो. सो पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल, क्यू पी माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो एंड क्यू इंटू पी इक्वल टू आर. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन रूट्स सम ऑफ टू रूट्स इज ज़ीरो. क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन, ये आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो शुड हैव टू रूट्स अल्फा बीटा कनेक्टेड बाय द रिलेशन अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो. मीन्स इसके जो दो रूट हैं वो इस रिलेशन से कनेक्ट है. मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस वन. ओके, देन अब इसकी कंडीशन फाइंड आउट कीजिए. देखिए हमें गिवन इक्वेशन है, इसकी हम रूट ले लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा बिकॉज देर आर क्यूबिक इक्वेशन एंड थ्री रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा बीटा गामा बी रूट्स सच दैट. कंडीशन क्या गिवन है हमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस वन. क्योंकि हम इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तभी हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस वन पुट कर पाएंगे. तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस आर डिवाइड बाय वन मीन्स माइनस आर. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, माइनस वन, माइनस वन इंटू गामा इक्वल टू माइनस आर इम्प्लाइज दैट गामा इक्वल टू आर, ये आ जाएगा हमारा एक रूट. ठीक है, गामा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे एक्स जो गामा है वो सेटिस्फाई का इक्वेशन वन को, देन एक्स के प्लेस में हम रखेंगे आर आर क्यूब प्लस पी आर स्क्वायर क्यू आर प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो. आर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशन. टू दैट फॉर द टू रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है टू बी इक्वल, इसके अगर दो रूट इक्वल दे रखे हों देन हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं. ठीक है, देन सम ऑफ रूट निकालते अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि इसके दो रूट इक्वल है, तो यहाँ से या तो ये कर लीजिए अल्फा इक्वल टू बीटा, या फिर हम यहाँ से ही ले लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, समझ गए. तो क्योंकि इसके इसमें बोला गया है कि इसके दो रूट इक्वल हैं, तो हम स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं कि बाद में हम कंडीशन लगाएंगे अल्फा इक्वल टू बीटा, तो हम शुरू से ही ले लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होंगे जिसमें दो रूट हमें इक्वल लेने हैं. तो अल्फा ले लिया, तो सम ऑफ रूट निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ए वन बाय ए नॉट. ए वन मीन्स कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मिसिंग है मीन्स ज़ीरो. ठीक है, डिवाइड बाय ए नॉट मीन्स यहाँ पे वन रखेंगे, माइनस जीरो बाय वन इज ए ज़ीरो. देन टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ज़ीरो एंड यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ माइनस टू अल्फा. ठीक है, नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट लेते हैं अल्फा इंटू
दो दो की अगर हम लेके चलेंगे, समेशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा मींस टू टू की प्रोडक्ट लेके चलेंगे, उनका सम करते हैं, अल्फा इनटू अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, टेकिंग टू एट ए टाइम माइनस वन स्क्वायर एंड ए टू बाय ए नॉट, ए टू इज़ अ कोफिशियंट ऑफ एक्स, दिस इज ए बाय वन मीन्स ए, यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इक्वल टू ए, इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर टू अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट कर लेते हैं, प्लस टू अल्फा इंटू माइनस टू अल्फा इक्वल टू ए दे रखा है, ठीक है, देन अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए, दिस इज माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए, एंड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बाय माइनस थ्री, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, ए बाय माइनस थ्री। अब हम देखते हैं कि अल्फा जो हमने लिया था, अल्फा इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन फर्स्ट को, एज अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेटिस्फाइज इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर एक्स के प्लेस पे हम अल्फा पुट कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, बी स्क्वायर बाय फोर प्लस ए क्यूब बाय 27 इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन आनी चाहिए हमारी। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू रखते हैं, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अल्फा स्क्वायर इज एट ए बाय माइनस थ्री, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, की वैल्यू रखिए, अल्फा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, दिस इज ये जो हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं इसको, ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से माइनस ए बाय थ्री इंटू अल्फा प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ए बाय थ्री प्लस ए, माइनस ए बाय थ्री प्लस ए इंटू अल्फा कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम लेंगे जी, माइनस ए प्लस थ्री टू बाय, ये आ जाएगा टू ए बाय थ्री इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस बी, एंड अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस थ्री बी बाय टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू नाइन बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी, ये हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड के, फोर ए स्क्वायर, ठीक है, हमें चाहिए ये कंडीशन होल्ड करवानी है हमें, बी स्क्वायर बाय नाइन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, माइनस फोर ए क्यूब इक्वल टू 27 बी स्क्वायर, ठीक है, 20 इसको जो आप लेके आइए इधर 27 बी स्क्वायर प्लस फोर ए क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, एंड यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय फोर प्लस ए क्यूब बाय 27 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, या तो आप यहीं से कर लीजिए, माइनस फोर है, फोर को आप ले जाइए, यहाँ से भी कर सकते हैं, 27 को इसके डिवाइड पे ले जाइए, फोर को यहाँ पे ले आइए, देन ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाय फोर, एंड आप इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ला के पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन फिफ्थ में गिवन है, इफ़ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ द बाय क्वाड्रेटिक, ये फोर्थ डिग्री की क्वेश्चन हमें गिवन है और अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं। फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स शुड बी कनेक्टेड बाय द रिलेशन ऑफ दिस, इसके रूट्स अगर इस रिलेशन में दे रखे हों, इस जो आपके पास रिलेशन बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, देन आप इसकी कंडीशन फाइंड आउट कीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले जो हमें यहाँ तक गिवन है वो सॉल्व कर लेते हैं, यानी हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स रेज टू पावर फोर पी एक्स क्यू क्यू एक्स स्क्वायर आर इंटू एक्स प्लस एस इक्वल टू ज़ीरो, सच दैट कंडीशन क्या गिवन है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, नाउ सम ऑफ रूट ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, इससे फाइंड आउट करेंगे दिस इज माइनस पी, सम ऑफ रूट माइनस पी बाय वन। ठीक है, एंड यहाँ से हमें गिवन है कि बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, वैल्यू पुट करते हैं देन टू टाइम दोनों के प्लेस पे अल्फा प्लस डेल्टा रखेंगे तो अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस पी बाय टू। ओके, एंड हमें गिवन है कि दोनों इक्वल है, देयरफॉर ये इक्वल किसके आ जाएगा, बीटा प्लस गामा के, तो दोनों की वैल्यू आ गई माइनस पी बाय टू। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस पी बाय टू। फिर हमें क्या करना होता है, सम ऑफ रूट मिल जाते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग द रूट्स अल्फा एंड डेल्टा एंड एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीटा एंड गामा से, सम ऑफ रूट हमें मिल गए, लेट अल्फा इंटू डेल्टा कैपिटल पी एंड बीटा इंटू गामा इज कैपिटल क्यू, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है प्लस हो जाएगा पी बाय टू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू, या फिर ये एक फैक्टर हो गया हमारा, एंड एक्स स्क्वायर अल्फा दोनों की वैल्यू बीटा और डेल्टा, अगर बीटा और गामा लेते हैं इसके भी हमारे पास सम ऑफ रूट कितना दे रखा है, माइनस पी बाय टू प्लस हो जाएगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू, दीज आर द मोस्ट टू फैक्टर ऑफ इक्वेशन दिस। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ दीज टू फैक्टर्स, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस पी बाय टू इंटू एक्स प्लस पी एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी बाय टू इंटू एक्स प्लस क्यू, दिस इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन इक्वल टू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ से हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म, जो भी हमें चाहिएगा हम वो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, देन अगर एक्स स्क्वायर का देखते हैं क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज क्यू, एंड यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी के साथ आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्यू के साथ इस पी के साथ इसकी मल्टीप्लाई एंड क्यू के साथ ये प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर और आएगा यहाँ से जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं पी स्क्वायर बाय फोर, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अगर हम एक्स का चेक करते हैं तो आर इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट कब आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई मैं कॉन्स्टेंट से करती हूँ देन पी बाय टू इंटू क्यू एंड इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे करती हूँ एक्स के साथ कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई पी इंटू पी बाय टू। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं पी प्लस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी स्क्वायर बाय फोर, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे देन पी प्लस क्यू पी बाय टू कॉमन ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे जाते हैं टू आर बाय पी हो जाए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन हमारी ये आ जाती है इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी, क्यू माइनस पी स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू टू आर बाय पी। ठीक है, राइट साइड दोनों इक्वल रख देंगे हम, नाउ एलसीएम ले लेते हैं, बोथ साइड एलसीएम लेंगे हम, फोर पी यहाँ पर आ जाएगा फोर पी क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू पी से पी कैंसिल एट आर। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रही हूँ, देन रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी
पी क्यू, आप इसको उधर ले जाइए, माइनस 4PQ प्लस 8R इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन रूट्स आर कनेक्टेड दिस रिलेशन। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, तो इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कर लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ से आ जाएगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे, क्यूब का कोफिशिएंट है जब पी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर का यहाँ से है क्यू, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 21, देन एक्स का मल्टीपल आर, आर हम ले लेंगे माइनस 20 एंड कॉन्स्टेंट टर्म एस इज 5। ठीक है, और यहाँ से जो रिलेशन आया है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये जो रिलेशन आया है हमारे पास, इसमें ये वैल्यूज पुट क्यों करेंगे हम, ये रिलेशन हमने निकाला है इस इक्वेशन का, और हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके पी क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। एंड ये जो रिलेशन है हमारे पास, पी क्यू माइनस 4PQ प्लस 8R इक्वल टू ज़ीरो, इन इस रिलेशन में हम ये वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई करते हैं दैट मीन्स इसकी जो रूट्स की कंडीशन है वही इसके रूट्स की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। समझ गए, क्योंकि ये रिलेशन हमने निकाला है इक्वेशन इस बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और ये जो दे रखी है, अगर हम इसके कोफिशिएंट से कंडीशन प्रूव करते हैं, देखिए पी की वैल्यू रखेंगे 8 क्यूब माइनस 4 इंटू, सॉरी माइनस 8 है ये, तो माइनस 8 क्यूब, पी की वैल्यू माइनस 8। ठीक है, 4 इंटू माइनस 8 इंटू क्यू इज़ 21 प्लस 8 इंटू आर इज़ माइनस 20 एंड एस का यूज़ तो हुआ ही नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन के कोफिशिएंट भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, दिस रिलेशन इज होल्ड फॉर सेटिस्फाई फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, आगे सारा प्रोसीजर वही है जो हम पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, यानी दो रूट्स का सम यहाँ पे दे रखा है बीटा प्लस गामा, यही रूट इसके हो जाएंगे फिर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, चारों रूट्स जो हमने इसके लिए थे इक्वेशन के वो हम इस इक्वेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया इसको इसके कोफिशिएंट से, आगे का काम आप खुद कर सकते हैं। वैसे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब उस इक्वेशन यानी इक्वेशन हमारे पास वो है एक्स 4 माइनस 8 एक्स क्यूब 21 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके चार रूट गिवन है, यही रूट इसके हो जाएंगे और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स सम ऑफ रूट निकालेंगे यहाँ से, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 8 आ जाएगा। एंड कंडीशन क्या है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, पुट कर दो यहाँ पे, 2 टाइम अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू 4, एंड क्योंकि ये किसके इक्वल है, बीटा प्लस गामा के, सम ऑफ रूट मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम यहाँ पे लेके चलेंगे, अल्फा इंटू डेल्टा यहाँ पे लेके चलेंगे एंड बीटा इंटू गामा क्यों लेके चलेंगे, एज इट इज़ यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे जो सम ऑफ रूट बनेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल पी थे वो अब कॉन्स्टेंट में रिमूव हो गए हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 4x, दोनों इक्वेशंस का पहले हम लेंगे अल्फा और डेल्टा के लिए क्वाड्रेटिक, फिर लेंगे बीटा और गामा के लिए, माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट पी। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी भी 4 वैल्यू है, प्लस क्यू इक्वल टू कौन सी इक्वेशन रखेंगे, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5। ठीक, यहाँ से कोफिशेंट कंपेयर करेंगे, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वापस इनमें पुट करके सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हैं। ये बाकी का जो काम रह गया है यहाँ पे, रिमेनिंग जितना भी क्वेश्चन है, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 6 इज फाइंड द कंडीशन दैट द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, कहता है इसके दो रूट्स का सम इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर मैं इसके रूट ले लेती हूँ अल्फा बीटा एंड गामा,
थ्री रूट ले लिए हमने एफ एक्स के, कहता है कि इसके दो रूट्स का सम कर देते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स का रूट बन जाता है, इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, क्योंकि बीटा प्लस गामा का सम किया और इसका रूट बन जाता है वापस, दैट में से तीसरे रूट के इक्वल लिख सकते हैं इसको अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये हमें कंडीशन गिवन है। देन हमें इसकी कंडीशन निकालनी है सबसे पहले, तो फिर वेरीफाई करना है उसी कंडीशन को जो हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे कंडीशन, वो इस इक्वेशन के लिए भी आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम अल्फा बीटा गामा रूट्स ले लेते हैं किसके, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो के, ठीक है, एंड ये हमें रिलेशन गिवन है यहाँ पे। देन सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बीटा प्लस गामा दे रखा है अल्फा माइनस बी बाई ए, इम्प्लाइज दैट टू अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा आ जाएगा माइनस बी बाय टू ए, ठीक है। अल्फा एक रूट आ गया हमारे पास इसी इक्वेशन का, देन ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो हम इस पे एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे, माइनस बी बाय टू ए क्यू प्लस बी इंटू माइनस बी बाय टू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस बी बाय टू ए प्लस डी इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे, क्यूब है तो माइनस ए इंटू ए, यहाँ पे ए क्यूब इसको ये कैंसिल कर लेते हैं, बी अपॉन एट ए स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रिमेनिंग फैक्टर, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब, एंड यहाँ से भी बी क्यूब रहेगा इसका भी, डिवाइड बाय स्क्वायर है तो पॉजिटिव टर्म रहेगी, एंड फोर ए स्क्वायर माइनस बी सी बाय टू ए प्लस डी इक्वल टू जीरो। एट ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे, एट ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एट ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस टू बी क्यूब माइनस टू इज अ फोर ए बी सी प्लस एट ए स्क्वायर इंटू डी इक्वल टू जीरो, ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, एंड इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दिस इज बी स्क्वायर सॉरी बी क्यूब माइनस फोर ए बी सी प्लस एट ए स्क्वायर डी इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन टू रूट्स इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन अगेन, ठीक है। अब यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी है, वेरीफाई करनी है इसके लिए, ओके, अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट बन जाते हैं देन अगेन अल्फा बीटा एंड गामा बी रूट्स ऑफ किस इक्वेशन का, एट एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ रूट निकालते हैं और कंडीशन क्या दे रखी है, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये कंडीशन दे रखी है हमें। सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट इज माइनस एट, माइनस हम अप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई एक्स क्यूब का कॉफिशियंट इज एट, एट से एट कैंसिल, ये आ जाएगा वन, एंड बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है, अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू वन मीन्स टू अल्फा इक्वल टू वन, इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ, एंड हाफ वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यही हमें प्रूव करना है। तो अल्फा की वैल्यू हम ये पुट कर लेते हैं, इक्वेशन कुछ एज्यूम नहीं किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट पुट अल्फा इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर एट इंटू हाफ क्यूब माइनस एट इंटू हाफ स्क्वायर प्लस वन इक्वल, सॉरी ये हमें सेटिस्फाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, ओके, लेफ्ट क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, दिस इज एट इंटू वन बाय एट माइनस एट इंटू वन बाय फोर प्लस वन कैंसिल, वन माइनस टू प्लस वन ज़ीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन इसको सेटिस्फाई कर गया, ये हमने वेरीफाई करवा दिया। अगर ये रूट्स इस कंडीशन को होल्ड करते हुए इसके रूट बनते हैं तो भी हमारे पास कंडीशन जो वेरीफाई होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवेंथ इज सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड द इक्वेशन, यानी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और ये थ्री इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्योंकि एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन होती है तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि अगर मैं एक्स वाई जेड को रूट लेती हूँ किसी भी इक्वेशन के थ्री रूट्स, देन सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीनों हमें मिल गए। लेट एक्स वाई जेड बी रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू टी स्क्वायर प्लस सम ऑफ टू रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इंटू टी माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ जिसके रूट्स एक्स वाई जेड होंगे, ठीक है। वैल्यूज रखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सिक्स टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से इलेवन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इज सिक्स इक्वल टू जीरो, यानी मुझे ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाती है और एक्स वाई जेड इसके रूट्स हैं, दैट मीन्स मैं टी के रूट फाइंड आउट कर लेती हूँ, वो वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई एंड जेड के, ठीक है। बाय ट्रायल मेथड, सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रायल मेथड मीन्स हम पुट करके देखते हैं, टी को वन पुट करके देखते हैं। सबसे पहले वन क्यूब माइनस वन क्यूब मीन्स वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स टी इक्वल टू वन इज रूट ऑफ, ये इक्वेशन हमने बनाई है फोर्थ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन फोर्थ। बाकी के दो रूट निकालने हैं, एक रूट हमें मिल गया, ठीक है, बाकी दो रूट निकालते हैं बाय सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न कीजिए, टी इक्वल टू वन, क्यूब का कोफिशियंट वन माइनस सिक्स इलेवन एंड माइनस सिक्स, वन एज इट इज़ वन इंटू वन इज अ माइनस फाइव इज अ सिक्स एंड इंटू सिक्स इज अ जीरो, मीन्स टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टू टी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। टी कॉमन लेंगे, टी माइनस थ्री माइनस टू कॉमन लेते हैं, टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टी माइनस थ्री टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, देन टी इक्वल टू टू एंड थ्री, टी की थ्री वैल्यूज़ मिल गई हमें, टी इक्वल टू वन टू एंड थ्री, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू जेड इक्वल टू थ्री, बिकॉज एक्स वाई जेड आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यही हम लेके चले थे कि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होंगे तो वो इसकी वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.5, तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।